और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जींद, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, जींद के जींद विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हम सबके लाडले विधायक कह सकता हूं मैं, ऐसे डॉक्टर किशन मिड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग हमारा जो मोर्चा, उस मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री करणदेव कंबोज जी, उचाणा से हमारी पूर्व विधायक बहन प्रेमलता जी, आज के इस रैली के संयोजक इस रूप में जिन्होंने मेहनत करके इतना विशाल स्वरूप में ये रैली, ये जनसमूह इकट्ठा किया, सबने सहयोग भी किया, ऐसे हमारे भाई यशपाल ठाकुर जी, केश कला बोर्ड जो पहले से बना था दोबारा से अब बनना भी है, पूर्व में इसके अध्यक्ष रहे श्री सुरेश सैन जी, यमुनानगर के हमारे युवा मेयर भाई मदन चौहान जी, पार्टी के जींद जिले के जिलाध्यक्ष भाई राजू मोहर जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक जी के प्रतिनिधि के नाते से यहां पधारे श्री देवेंद्र कौशिक जी, बहुत ही पुराने हमारे कर्मठ कार्यकर्ता एडवोकेट करमवीर सैनी जी, उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन, बाई और दाई और बैठे हुए हमारे मंच पर सभी नेता और कार्यकर्तागण, आज इस विशाल रैली में पधारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आपका सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्रद्धा से भी करता हूं, सम्मान से भी करता हूं, और कभी कभी इस मौके पर भी, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है और तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप में से एक सज्जन ऐसे भी हैं हर महीने मेरे कान भी पकड़ लेते हैं, वो अपनी बात कहने के लिए भी कान पकड़ के अपना काम करते रहते और बात सुनाते रहते हैं, तो उस नाते भी बहुत निकट का संबंध आपसे होने के नाते आपका मैं सम्मान करता हूं। और बहुत ही एक ऐसा अवसर है जब अपने समाज के शिरोमणि, हमारे आराध्य देवता जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, सदियों पहले इस देश में जब भक्ति रस की गंगा बह रही थी, भक्ति मार्ग चलने वाले लोगों की एक लड़ी, एक कड़ी जब चल रही थी, जिस समय संत कबीर दास जी हुए, संत रविदास जी हुए, संत नामदेव जी हुए, श्री धन्ना भगत जी हुए, उसी समय संत शिरोमणि सैन जी महाराज अंग्रेजी सन 1500 में, विक्रमी संवत सन 1557 में उनका जन्म हुआ, 523 साल पहले हमारे बीच में वो आए, एक संदेश लेकर के आए। पूज्य रामानंद जी के वो शिष्य थे, उन्होंने जन जागरण किया, सेवा भावी एक व्यक्तित्व के नाते उन्होंने ख्याति प्राप्त की, कितने ही उस समय के जो समकक्ष ऐसे
भक्ति भाव के लोग उनके बीच में रहकर उनके साथ रहकर गुरु रविदास जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध आया, समाज को जागृत किया। और किस सीमा तक सेवा भाव उनका मन में था, मैंने कहानी पढ़ी उनके बारे में कि वो बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह जी, उस समय वो राजा होते थे, तो उनकी सेवा करने का काम बचपन में इनको मिला। बचपन का नाम इनको नंदा कहते थे, नंदा। तो सेवक के रूप में उनकी सेवा करते थे, तन मन पूरा एक प्रकार से कभी नागा नहीं करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में भी लगे रहते थे। कुछ उनके मन में इस प्रकार का भक्ति भाव कि इनके साथ बैठ करके कोई ऐसे जो मित्रगण, ऐसे जो साथी उस भक्ति भाव में लीन हो जाते थे। तो कहते हैं एक दिन ये भक्ति भाव में लीन और भजन कर, भजन का कार्यक्रम और इस प्रकार का रसास्वादन अपने मित्रों के साथ कर रहे थे। इतने लीन हो गए भगवत भक्ति में कि निश्चित समय पर राजा के पास जाना था, चूक गए, नहीं जा पाए, लीन हो गए, भूल गए। काफी देर उसमें मस्ती में रहे और इधर राजा जब समय पर सेवक नहीं पहुंचता तो उसको भी शायद चिंता होती है कि आज मेरा सेवक क्यों नहीं आया है। भगवान इतने प्रसन्न हैं सैन जी महाराज से कि भगवान ने सोचा कि आज सैन जी महाराज मेरी भक्ति में लीन हैं और राजा के पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो भगवान ने सैन जी महाराज का रूप धारण करके और राजा के पास उस सेवा करने के लिए पहुंच गए। राजा की सेवा प्रतिदिन जितनी होती है उससे बढ़िया सेवा की और राजा प्रसन्न हुए। आज की सेवा से राजा इतने प्रसन्न हुए कि शहर में बात फैल गई कि आज सैन महाराज ने, नंदा नाम जो उस समय था, उसने आज राजा को खुश किया। राजा बड़े प्रसन्न थे उसके ऊपर। कई बार खबर अंदर से राज दरबार से निकल आती है, सैनिक लोग निकालते हैं। इधर सैन जी महाराज जब उस भक्ति भाव में लीन थे, अचानक उनको याद आया आज तो राजा की सेवा करने के लिए मैं पहुंच नहीं पाया, राजा नाराज हो गए होंगे। फटाफट अपने कार्यक्रम बंद किए, दौड़े राजा के घर की तरफ। सैनिक गेट के ऊपर खड़े हैं, सैन महाराज को देख करके सैनिक ने कहा जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, राजा बड़े प्रसन्न हैं, जरूर कुछ ना कुछ इनाम भी देंगे। आज तुमने उसकी सेवा बहुत, उनकी बहुत अच्छी सेवा की है, वो बड़े प्रसन्न हैं, मेरे पास संदेश आया है। इनके मन में डर है, वो कह रहे हैं कि सम्मान करेंगे। डरते हुए अंदर गए और राजा ने खड़े होकर के सैन महाराज को गले लगा लिया। और उस समय कहते हैं कि संत सैन को महाराज की, राजगुरु की, संत सैन महाराज को राजगुरु की उपाधि ये उस समय दे डाली उन्होंने कि हमारे राजगुरु रहेंगे। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व निखरता है, उभरता है, मालूम नहीं कहां से उभर आए। ऐसे थे संत शिरोमणि सैन जी महाराज। उनके नाम को, उनके जीवन को, उनके विचार को, उनके भक्ति भाव को याद करने के लिए हम तो सब करते ही होंगे, लेकिन जब हमने सरकार बनाई 2014 में तो ध्यान में क्या आया कि जितने राजनीतिक हैं वो लोग अब याद करते हैं तो अपने बाप को, दादा को, परदादा को उनको याद करते हैं, संतों को भूल गए हैं। और हमें जब मन विचार लगा कि संत यानी समाज को ठीक रास्ते पर लाने के लिए संतों की जो भूमिका थी, अगर उनको आज बार बार याद कराएंगे तो समाज की दिशा ठीक हो जाएगी। हमने संत महापुरुष विचार मान सम्मान योजना ये बनाई और उसके बाद संतों की जीवनियां, उनकी शताब्दियां ये बनानी शुरू की, चाहे वो गुरु रविदास जी की हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की हो, चाहे भगत कबीर जी की हो, चाहे ऋषि कश्यप जी की हो,
चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती का दिन हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का जयंती का जन्मदिन हो, बंदा सिंह बहादुर जी का हो, अभी हमने धन्ना भगत जी की भी जयंती मनाई है, तो ऐसे संतों की जयंतियां उसी श्रेणी में, जब ये हमको पता लगा कि सैन जी महाराज की जयंती ये 4 दिसंबर को है, आज 4 दिसंबर है, मैंने उसी समय अपना समय दिया, मैं जरूर आऊंगा। और मांग रखी गई, वैसे तो मांगे और भी बहुत हैं, लेकिन एक मांग 4 दिसंबर के नाते जो मुझे आपके सामने रखनी है। देखिए, हमारे जातियां बहुत हैं, समाज अपनी श्रद्धा पूर्वक अपने अपने महापुरुषों को उनके आराध्य देवताओं के जन्मदिन मनाता है, 70-71 अपनी जातियां हैं, अन्य समाजों के भी हैं, अनुसूचित जाति की अपनी जातियां हैं, बैकवर्ड क्लास ए की अपनी जात, बी की अपनी जातियां हैं, जनरल समाज के लोग हैं उनकी भी अपने अपने आराध्य देवता हैं। अगर सबको मिलाते हैं तो लगभग ये 150 महापुरुष बनते हैं। हर एक की मांग आती है कि इनके जन्मदिन की छुट्टी घोषित की जाए, तो अगर साल में 150 जातियां ये छुट्टियां दे दी तो सिस्टम चलेगा क्या, बताइए? अगर 150 छुट्टियां यही कर दें, 52 छुट्टियां हमारी रविवार शनिवार, मतलब 52 × 104 रविवार शनिवार होती हैं, 250 हो गई, 20-30 कॉमन भी आ जाएंगी तो भी 200-225 हो गई। कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, तो ये सब छुट्टियां तो संभव नहीं है। तो हमने विचार किया कि हम एक और कार्यक्रम करते हैं। अभी तक छुट्टियां 2 प्रकार की हैं, गजेटेड हॉलीडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। अब हमने विचार किया कि तीसरी श्रेणी बनाएंगे और कैलेंडर में भारत सरकार, हरियाणा सरकार का जो कैलेंडर है उसमें उल्लेख करेंगे विशेष दिवस, विशेष दिवस 4 दिसंबर को विशेष दिवस के नाम से कैलेंडर पर रखेंगे, ताकि हर किसी को याद तो रहे कि आज सूर्य सेन जी की जयंती है। किसी भी महापुरुष की जयंती होगी उस दिन विशेष दिवस इस नाम से रखेंगे। कौन है यहाँ आए हैं? कौन है? आइए आइए आइए। देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात मुझे बताई गई है कि आज इस प्रोग्राम में सैन महाराज के वंशज की 21वीं पीढ़ी वो भी यहां आए हुए हैं। जल्दी आपके पास है, क्या नाम आपका? संतोष। संतोष, 21वीं पीढ़ी सैन महाराज जी की, बहुत बहुत साधुवाद आपको। तो मित्रों, भाइयों, बहनों, इस विषय में मुझे इतना ही कहना है कि समाज के अंदर कुरीतियां जो आती हैं उनको दूर करने के लिए महापुरुषों के जो वचन हैं वही काम आते हैं, और कुरीतियां, अच्छाइयां, ये साथ साथ चलती हैं। कभी भी कोई ऐसा समय ना पहले आया, ना आज है, ना आगे आएगा कि कुरीतियां हमारी जान छोड़ देंगी। ये दोनों वृत्तियां, दैव वृत्ति, राक्षस वृत्ति, साथ साथ चलेगी। हमारा प्रयत्न यह है कि दैव वृत्ति, जो अच्छी वृत्ति है, उसकी लाइन लंबी करें और राक्षसी वृत्ति की लाइन छोटी करें, उसको कैसे हम पिटाई करें, कैसे उससे हम अपने आप को बचाएं, ये हमारा काम है। इसके लिए महापुरुषों की शिक्षा वो हमें काम आएगी, अपने परिवारों में दिए जाने वाले संस्कार, हमारी दादी नानी, बूढ़ी माँ, बूढ़ा बूढ़े पिताजी, वो हमारे पुराने तरह समय की जो कहानी हमको सुनाते हैं, बहुत उसमें से शिक्षा मिलती है अच्छा कैसे बनना है। इसी प्रकार से संत महापुरुषों की ये वाणी, ये भी हमको अच्छी दिशा में ले जाती है। सरकार भी अपने प्रयत्न अपनी तरफ से करती है। उदाहरण के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक अभियान हमने, हरियाणा सरकार ने लिया, समाज ने साथ दिया, हमको सफलता मिली। जिस हरियाणा को बेटियों को मारने वाला प्रदेश माना जाता था, आज वो बेटियों को बचाने वाला प्रदेश इसके नाम से प्रख्यात हो गया है। जो 871 बेटियां 1000 बेटों पर होती थी,
आज 1000 बेटों पर 932 बेटियां हो गई हैं, 40-50 की संख्या बढ़ गई है। अपने आप में सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, वो तनाव में आता है, उसको कुछ सूझता नहीं है। अपने तनाव को भुलाने के लिए नशे की गोलियां, नशे के और पदार्थ, मादक पदार्थ उसका सेवन करता है। हमें उसको बचाना होगा, उसे दूर करना होगा। अगर युवा का जीवन खराब हो गया तो परिवार भी खराब होंगे, हमारा देश और प्रदेश इसमें भी बहुत बड़ी बाधा विकास में पहुंचेगी। तो इस ओर भी हमको आगे बढ़ना है, ये काम भी हमारा सामाजिक दायित्व है। जन जागरण हम करें, अगर उसमें कोई और चीजें मानो दंडात्मक काम करना है, ये जो इस प्रकार की ड्रग्स को सप्लाई करने वाले लोग हैं उसकी सप्लाई चेन को तोड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनको जेल के अंदर डालना, उनकी संपत्ति को नष्ट करना, ये काम हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पर्यावरण के नाते ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, कैसे हवा साफ रहे, वरना एक कोविड ने हिला के रख दिया। अभी फिर से एक चर्चा चली है कि चाइना के अंदर एक और वायरस फैला है, उससे अपने आप को बचाना है। मानवता को बचाने के काम में भी हमको सबको सहयोग करना है। पानी दूषित हो रहा है, जगह जगह लोग गंदगी करते हैं, इस अभियान में सरकारें भी लगी हैं। तो ये सब काम हम करते हैं। समाज को मुख्य धारा में जोड़ना, कैसे समाज का हर वर्ग उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, ये एक और अगला काम है जो सरकारें भी करती हैं। समाज को भी हम आह्वान करते हैं कि अपने समाज में जो थोड़ा पीछे रह गया उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी चिंता सबको करनी है। जैसा बताया अभी पूर्व वक्ताओं ने, हमने अंत्योदय की योजना है, अंत्योदय यानी जो आखिर में रह गया, चाहे वो व्यक्ति इस नाते से परिवार है, समाज है, इलाका है, चाहे वो पढ़ाई में पीछे रह गया, चाहे वो सेहत के नाते पीछे रह गया, चाहे वो गरीबी के नाते पीछे हो गया, कैसे उनकी इन समस्याओं को दूर करके उनको आगे बढ़ाया जाए। और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ऐसी ऐसी योजनाएं दे रहे हैं कि गरीब के परिवार को मकान नहीं तो मकान दो, मकान मिल गया तो उसके नल में पानी दो, पानी मिल गया तो उसको गैस का सिलेंडर दो, गैस का सिलेंडर मिल गया तो बिजली का बल्ब दो, ताकि उसका जीवन आज के हिसाब से सुखी हो सके। घर में राशन नहीं है तो राशन भी दो, ये सब चीजें दी जा रही हैं। हाँ, ये गरीब का अधिकार है, ये गरीब को मिलना चाहिए। अभी तक समस्याएं क्या हैं कि ऐसी योजनाएं सरकारें पहले भी बनाती हैं लेकिन गरीब तक पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं बना। हर कोई बीच में जिसको जरूरत नहीं है वही लपक लेता है, अपनी दबंगई से लपक लेता है। जिस आदमी की जरूरत है उसको तो लाइन में लगा तो उसको बाहर निकाल देता है। सरकारी सिस्टम में भी उसको योजनाएं मिलती नहीं है, लाभ नहीं मिलता है। हमने हरियाणा सरकार में भी हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बनाया, हर एक का डाटा लिया कि किस परिवार की क्या स्थिति है, कितने मेंबर है, पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, रोजगार करता तो कौन क्या करता है, आमदन है तो कितनी है, ताकि उस आधार पर कोई अंत्योदय परिवार, कोई बीपीएल परिवार, कोई एपीएल परिवार, कोई मध्यम दर्जीय, कोई उच्च वर्गीय, ये सब सिस्टम होते हैं। यानी दूर मत जाओ, हमने अपने ही समाज की, जिस समाज के आज हम लोग बैठे हैं सैन्य समाज के, इनका मैं आज खाका सवेरे मैंने देखा, कुल 76,000-77,000 परिवार हैं हरियाणा में हमारे, 3,11,000 हमारी आबादी है। इन 70,000 में 25,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से ऊपर है, और उसमें अच्छी बात यह है उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें वकील भी हैं, उसमें पीएचडी प्रोफेसर भी हैं, लेकिन 50-52% ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अभी तक सरकारी नौकरियों में, मुझे बता रहे थे कि इस पिछले 6-5 साल में जब से हमने बिना खर्ची पर्ची की बात कही है, 1100 बच्चे इस समाज के अंदर नौकरी लगे हैं, किसी का एक पैसा लगा नहीं। और जिस लोकतांत्रिक तरीके से हमने बीसी को ये जो आरक्षण दिया है, इस आरक्षण के कारण से 72 हमारे सरपंच बने हैं, 72 इस समाज के 72 सरपंच, वरना कभी कोई बन नहीं सकता था। तो ये अवसर दिए हैं। इस नाते से हमारा चिंता करने वाला मोदी जी के सरकार जिसे चिंता कर रही है, हरियाणा में भी हम चिंता कर रहे हैं,
इसका परिणाम कल आपने देख लिया, कल परिणाम देखा ना, तीन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से और सरकार बना रही है, बना ली है समझो, कल परिणाम आ गए हैं, किसी को अपेक्षा भी नहीं थी। हैट्रिक बनी है, अब अगली हैट्रिक मोदी जी की लगेगी, उसके बाद हैट्रिक हरियाणा में भी लगेगी, आप लोग कमर कस लो, आप लोग अपनी कमर कस लो। तो भाइयों बहनों, आज के दिन कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो इतनी बात कहूंगा कि विकास के नाते तो बहुत काम होते हैं। आज भी विकास के नाते मैं देखूं तो यहां आज 39 परियोजनाएं ऐसी हैं, 31 के शिलान्यास हुए, 8 का उद्घाटन हुआ है। आज इसी मंच से आकर के और मैंने 590 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, एक दिन आकर के 590 करोड़। भले ये जींद जिले के हैं, हर जिले के ऐसे उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं और बड़े बड़े काम। पानी की व्यवस्था जींद के लिए, यानी नरवाड़ा में जो भाखड़ा नहर बह रही है, यहां के लोगों ने कहा कि हमको यमुना के बजाय भाखड़ा नहर का पानी ला कर दीजिए। 388 करोड़ रुपए की एकमात्र योजना जिसका शिलान्यास किया, 388 करोड़। सीवरेज की व्यवस्था, चाहे वो शामनगर जींद का हो और चाहे नरवाड़ा शहर का शामनगर हो, नरवाड़ा शहर के अंदर सीवरेज हो, इन दोनों सीवरेज की व्यवस्था की है। 6 सड़कें ऐसी हैं जिनका आज उद्घाटन किया है, लगभग 31 करोड़ रुपए की है, छोटी बड़ी सब सड़कें। कामों की कोई कमी नहीं है, विकास तो जितना पहले सरकारें करती थी उससे हम डबल कर रहे हैं और पैसा भी उससे आधा लगा रहे हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे होता है, काम डबल हो रहे हैं पैसा आधा लग रहा है। पैसा पहले जो लगता था वो इन कामों में नहीं लगता था, वो कहां जाता था, कहां जाता था, लोगों के जेब में। और मानते थे वो, ईमानदारी से भी माना था राजीव गांधी ने एक बार कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे जाते जाते 15 पैसे पहुंचते, 85 का पता नहीं लगता कहां गए, ये उन्होंने माना था। लेकिन आज गारंटी से ऊपर से 100 पैसे भेजते हैं, हर किसी के खाते में 100 के 100 पहुंचते हैं, एक भी बीच में काट नहीं सकता कोई भी, 100 के 100 हर किसी के खाते में पहुंचते हैं। देश के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा नए खाते ये खुलवाए मोदी जी ने, हर किसी के परिवार का खाता, बेटियों का खाता। कोई परिवार आज देश में ऐसा नहीं है जिसका बैंक खाता ना हो, नहीं तो पहले ऐसे लोग थे वो कहते बैंक में हमने करना क्या, ताजा कमाना ताजा खाना, पैसा मजदूरी लेके आते हैं और हम जा करके बाजार में अपना लून तेल दाल लकड़ी ले आते हैं और अपना खा लेते हैं। मोदी जी ने कहा कि नहीं, जो आप कमाते हैं वो कमाओ, लेकिन सरकार बहुत सी योजनाएं ऐसी देती है जो हम अपने सिस्टम से भेजेंगे तो आप तक पहुंचेगा ही नहीं, हम सीधा वहां से भेजेंगे आपके खाते में आएगा, खाते में से आप निकालो और जहां खर्च करना करो। हमारे किसान भाई, आप में से किसान भी हैं, 600-700 परिवार इस समाज में से किसान हैं, वो भी मेरी जानकारी है, उनको भी पता होगा किसान की उपज मंडी में बिकती है, जो पैसा उसका बनता है सीधा किसान के खाते में आता है, वो निकाल ले तो जिसको देना दे दे, वरना हम चक्कर काटते थे आड़तियों के इधर के उधर के। पहले आड़तियों से हम पैसे लेके आते थे, हमारे अपने पैसे, अब आड़ती किसानों के पास आते हैं, भाई कि मैं पीछे पड़े हो तो दे दे, आड़ती मांगते हैं आके, भले वो ब्याज पर लेते हैं, पैसा लौटाते हैं, ब्याज भी लौटाते हैं, लेकिन हिसाब किताब तो उल्टा हो गया ना। तो गरीब आदमी, किसान, मजदूर, गरीब, मोदी जी ने एक और बात कही है कि जाति पाति का खेल बहुत चल गया अब इस देश के अंदर, क्योंकि बड़ी पुरानी व्यवस्थाएं जातियों की, वर्णों की, आश्रमों की, ये बनी हुई है। धीरे धीरे समय बीतने के बाद उसमें जो दुर्गुण आ गए, और खास करके जब राजनीति में जातियां घुस गई, हमने 2014 में एक नारा दिया था, मालूम है किसी को याद है क्या नारा था 2014 में, नहीं, जातियों को खत्म करने के लिए हरियाणा का एक नारा था, हाँ, हरियाणा एक हरियाणवी एक, हम सब हरियाणवी हैं,
ये हरियाणा के 2,80,00,000 लोग कहते हैं कि आप सेवा का भाव मन में कैसे लेके आते हो, इनकी मदद करते हो तो क्यों करते हो, मन में क्या विचार आता है? मैंने कहा देखो, विचार सेवा का लाने के लिए सबसे पहले होता है कि वो आदमी अपना है कि नहीं है, ये विचार हर कोई करता है। जैसे अभी सेवा करते हैं अपने बेटे की, बेटी की, माता की, पिता की, पत्नी की, भाइयों की, बहनों की, उनके तो काम करते ही है ना, उनकी मदद करते ही है ना, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार हैं इसलिए उनकी करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी कल्पना की है कि मैं अपने हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के साथ संबंध बनाता हूं, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो भाइयों बहनों, एक पारिवारिक संबंध बना करके हम हरियाणा की जनता इस नाते से आगे बढ़ाइए, किसी को तकलीफ ना हो। तकलीफ है तो उसको कैसे दूर करना है, शिक्षा है, पढ़ाई है, उसको कैसे ठीक करना है। अभी मैंने 3 दिन पहले कहा कि हमारी जो बेटियां हैं, उन बेटियों को सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में तो सब शिक्षा फ्री है, लेकिन अगर वो प्राइवेट में पढ़ना जाती है तो वहां उसकी फीस ली जाती है। हमने कहा बेटियां जो गरीब हैं, हमारे यहां उस प्रकार के 40,000 परिवार ऐसे हैं जो उस रेखा से नीचे आते हैं, बल्कि 52,000 ऐसे 52,000 परिवारों की बेटियां प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगी, उनको भी उसकी फीस नहीं देनी पड़ेगी, सब बेटियों की फीस सरकार देगी। साल में हर सदस्य, इन 52,000 परिवारों का हर सदस्य 1,000 किलोमीटर हरियाणा की बसों में फ्री यात्रा करेगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि बहुत लोग तो 1,000 किलोमीटर जा ही नहीं पाते हैं। 60 साल से ऊपर के सब लोग, उनकी पेंशन इस महीने तो 2,750 मिलेगी, जनवरी की पेंशन 3,000 रुपया मिलेगी, ये उस दिन मैंने घोषणा कर दी है। और केवल उनको मिलती, ऐसा नहीं है, हमारी जो ऐसी किन्हीं कारणों से दुर्भाग्य से बहन कोई विधवा हो गई उसको भी मिलती है, जो दिव्यांग है, शरीर से थोड़ा लाचार है उसको भी मिलती है। हमारे सामने विषय आया कि जिन भाइयों की पत्नी की डेथ हो जाए उनकी चिंता करो। हमने कहा अगर 40 साल के अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, उसने दोबारा शादी नहीं कराई है, उसको भी 3,000 रुपए का पेंशन जाएगी। और इससे आगे किन्हीं कारणों से किसी भाई बहन की मानो शादी नहीं होती है, ऐसे महिला हो या पुरुष हो, 45 साल की उम्र के बाद उसको भी 3,000 पेंशन देंगे हम। वो शब्द मैं लेना नहीं चाहता जो हरियाणा में लेते हैं, ठीक है ना, उनकी भी एसोसिएशन बन गई है, यहां जींद में, हिसार में एसोसिएशन बनी हुई है, हिसार में। तो मित्रों, काम के नाते तो मैं गिना सकता हूं बहुत, लेकिन चूंकि सूचना मिली है कि जब तक इस खत्म नहीं करेंगे भाषण को, तब तक वो राशन भी इंतजार कर रहा मिलेगा नहीं, इसलिए जल्दी मुझे खत्म करना है। तो इसमें कुछ मांगे मेरे सामने रखी गई हैं। एक बड़ी मांग, नाम जो है हमारे समाज के नाम के साथ सैन भी लिखा जाता है, नाई भी लिखा जाता है, सैन नाई इकट्ठा लिखा हुआ है। हमने एक पत्र लिख दिया है केंद्र को, उसकी परमिशन मांग ली है कि अब सैन नाम से अलग से अगर हमको अपनी पहचान करानी है तो अलग से हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे बच्चों के लिए हमारा जो परंपरागत काम है उसकी सिखलाई के लिए हमको मानो अच्छे सैलून चलाने हैं, अच्छे मेकअप का सिस्टम सीखना है, अच्छे हमारे जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वो हमको, हमारी किसी बहन को उसको सीखना है, तो इसके लिए 4 ऐसे केश विकास, केश कला, केश कौशल विकास केंद्र ऐसे 4 जगह पर खोलने की मैं घोषणा करता हूं। एक खुलेगा गुरुग्राम में, एक खुलेगा हिसार में, एक होगा रोहतक में, एक होगा अंबाला में। अब ये 4 कोनों में अलग अलग खुलवाए हैं, अगर इसमें सफलता मिलती है तो हमको इससे आगे बढ़कर के भी खोलने में कोई आपत्ति नहीं है, और जितने सेंटर कहेंगे, क्योंकि हमारे काम की आज डिमांड है, मांग है, अच्छे सैलून, अच्छी मेकअप के स्थान और अच्छे ब्यूटी पार्लर की दुकानें। आज तो शादियों में एक एक मानो
सौंदर्य के नाते से जो मेकअप और ये जो सारा सिस्टम होता है ब्यूटी पार्लर का, हजारों हजार रुपए लोग खर्च करके आते हैं। मेरा अनुभव नहीं है, आपका सबका होगा, बहुत खर्च करते हैं लोग। तो उसके क्यों नहीं हम आय का साधन बनाए, अच्छे सिस्टम खड़े करें। आज पैसा खर्च करने वाले बहुत हैं लोग, तो इसलिए ये केंद्र बनाएंगे। विषय के किसी एक मार्ग का नाम, मार्ग का नाम संत शिरोमणि सूरसेन जी का, सेन जी महाराज के नाम से रखा जाए, तो करनाल में एक सड़क है दामनवाला हॉस्पिटल सफेद रोड से राज अस्पताल रोहतक रोड तक, जिसको JD7 रोड कहते हैं, इस सड़क का नाम संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के नाम से रखा जाएगा। इसी प्रकार एक चौक का नाम, हाँ जींद में बताया मैंने, अच्छा वो क्या है कि हमारे करनाल यशपाल ठाकुर मेरा कुछ संबंध ऐसा बना हुआ है, मुंह से करनाल लिख जाता है, ये जींद का ही है, ये जींद का ही है। ये बड़ा ही रोड है, ये बहुत बड़ा रोड है, बड़ा रोड है, बहुत मेन रोड है, छोटा नहीं है ये। हाँ ऐसे ही गुहाना रोड जींद जो हमारी कचहरी है, कोर्ट है, कोर्ट के सामने एक जो चौक है उस चौक का नाम और संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के नाम से रखा जाएगा। और उस चौक पर अगर हम लोग चाहें तो प्रतिमा भी लगा पाएंगे, अगर कोई स्टेट नेशनल हाईवे का, नेशनल हाईवे रोड तो नहीं है ना, कॉर्नर पर जगह है तो वहां एक प्रतिमा भी लगाई जा सकती है। एक डिमांड ये आई है कि किसी एक संस्था, तो जिस संस्था का नाम मुझे बताया गया, इनको पता नहीं होगा, उस संस्था का नाम पहले रखा जा चुका है, उस संस्था का नाम पहले धन्ना भगत जी के नाम से मेडिकल कॉलेज जींद का नाम रखा गया, लेकिन उसमें भी 3 अलग अलग टावर बनेंगे, बड़ी बिल्डिंग होंगी, तो एक बिल्डिंग का नाम संत शिरोमणि सेन महाराज जी के नाम से रखी जाएगी, ताकि उनके नाम को अमरता मिले। जो ये चौक की बात आई है, सड़क की बात आई है, तो आप लोग पहचान कर लें, एक भिवानी में और एक करनाल में, चाहे चौक या सड़क जो आप बताएंगे उनका नाम भी 2 का और रखा देंगे। नहीं दोनों में ही कह रहा हूं, एक उधर एक उधर, दोनों में है, करनाल में है तो भिवानी में कराओ। पंचकुला देश की राजधानी है। ऐसे ही यमुनानगर में धर्मशाला प्लॉट है क्या वहां, और एक आपका कुरुक्षेत्र में भी प्लॉट है, अरे मेरा नहीं, एक है ना आपका अपना है ना, अब अपना है तो बहुत है, मिले तो मुंह तो मिलता है क्या, जिसका अपना है ठीक है, नहीं होता उसी को देंगे। जींद में नहीं है, जींद में नहीं है ना, हाँ तो जींद में एक आप लोग हमारा जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट निकलते हैं उसमें जहां जहां आपको चाहिए उसमें एप्लीकेशन आप दे दो, और एप्लीकेशन देने के बाद उसमें जहां जहां चाहिए उसमें उन प्लॉटों का विचार कर लिया जाएगा, और आप जींद के भी एक अप्लाई जरूर कर दें। जींद में जो बैरागी धर्मशाला के पास प्लॉट है ना, उसमें 4 हिस्से करके और एक 900 गज का, लेकिन आप अप्लाई कर दो ठीक है। अरे ऐसा ना, आज बाकी वहां आप बुलाओगे तो वहां आके करेंगे, आज तो जींद केंद्रित मामला थोड़ा ज्यादा है। यमुनानगर कर लेंगे, हमारे मेयर साहब बैठे हैं, यमुनानगर मेयर साहब आपको 11 लाख रुपए देके आएंगे ठीक है, हो गया करके आएंगे। एक बात और मैंने बतानी है आपको कि जैसा मैंने अलग अलग बताया कि आपके कितने परिवार हैं, 52 लाख परिवार बीपीएल के हैं, लगभग 10 लाख परिवार, 10,000 परिवार ऐसे भी हैं, ये 52 लाख नहीं है, 52,000 है, 52,000 परिवार बीपीएल के हैं, 10,000 परिवार ऐसे हैं जिसमें या तो पहले कभी किसी ने नौकरी की है जो पेंशन ले रहा है,
या आज कोई नौकरी में लगा है ग्रुप डी सी बी ए कुछ भी होगा, इन 10,000 को छोड़कर के 42,000 परिवार ऐसे हैं, अगर उसमें मेरिट के नाते कोई बच्चा एग्जाम देता है तो उसको अतिरिक्त 5% नंबर ये आपको मिलेंगे उन 42,000 परिवारों को। तो मित्रों जितनी मांगे बताई गई हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम चंडीगढ़ में बैठ करके जिनकी फिजिबिलिटी और करानी होगी उसकी भी हम कराएंगे। आपकी कोई मांग पैसे के कारण से नहीं रुकने दी जाएगी, लेकिन अगर कोई मानो कोई कई बार ऐसी अड़चने आ जाती हैं, जमीन नहीं होती है या कहीं पहले से कोई नाम रखा हुआ होता है उसका नहीं रख पाते हैं, तो फिर भी जितना संभव होगा और भी बातें आपकी पूरी की जाएंगी। अब चूंकि यहाँ एक प्लॉट मिल जाएगा तो प्लॉट मिलने के बाद मुझे पता है कि अगले दिन फिर आ जाएंगे कि इस प्लॉट को बढ़ाने के लिए तो कुछ करें, तो इस प्लॉट पर धर्मशाला बढ़ाने के लिए चूंकि यहाँ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, इसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट उनकी तरफ से 11 लाख और उतना ही लगभग मैं करता हूं, तो चलिए 21 लाख रुपए अपनी तरफ से, 11 लाख रुपए मेंबर पार्लियामेंट से, 32 लाख रुपए उस धर्मशाला के लिए और उसका अनुदान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।